हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर सेट उसका डिज़ाइन बताऊंगी, वो कैसे बनेगा। उसके लिए हमें ऐसे लूप लेकर 60 चेन बनानी होगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमने 60 चैन ये डाली हैं। उसके बाद हम 3 चैन और लेंगे। 1, 2, 3। देन अब थर्ड चैन में हम डबल क्रोशिया डालेंगे ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैन में भी डबल क्रोशिया डालेंगे। ये हमने 8 डबल क्रोशिया डालने हैं इंक्लूडिंग दिस, जिसे हमने 3 चैन डाली थी उसे मिलाकर हमने 8 डबल क्रोशिया और डालने हैं। ये 3 हमने डाल लिए हैं, 1, 2, 3। देन 4, 5, 6, 7, 8। ये हमने 8 डबल क्रोशिया डाल लिया है। अब नेक्स्ट चैन में 3 डबल क्रोशिया डालेंगे, एक ही चैन में 3 डबल क्रोशिया से। 1, 2, 3, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर 8 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 डालिए हमने फिर से। अब नेक्स्ट में फिर 3 डबल क्रोशिया डालेंगे, एक ही चैन में 3। 1, 2, 3, ये देखिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैन में 16 डबल क्रोशिया डालेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हम फिर से काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है जी।
जी 16, पहले हमने यहाँ पे 8 डाले थे, फिर 8, फिर 16 डबल डालने हैं। अब हम नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट चैन में 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। ये हम न्यू बॉर्न बेबी का स्वेटर बना रहे हैं, ये 0 to 6 मंथ चलेगा, ठीक है जी। 3 डबल क्रोशिया डालिए, तो उसके बाद हम फिर से 8 डबल क्रोशिया डालेंगे 8 चैन में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। देन नेक्स्ट चैन में फिर डबल 3 डबल क्रोशिया एक ही चैन में, 1 2 3। नेक्स्ट 8 चैन में फिर 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 डबल क्रोशिया डाल लिया है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे बन गया, ये गला बन गया है, ठीक है। स्टार्टिंग हो गई न्यू बॉर्न की, इतना छोटा ही गला बनेगा। फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। जो ये एक्स्ट्रा चैन बची है, इसको हम बाद में इसको ठीक कर देंगे। मैं एक्स्ट्रा ही चैन डालती हूँ, आप भी एक्स्ट्रा डाल सकते हो। जब हम बाद में पूरा स्वेटर बन जाएगा तो हम इसको बता दूंगी कि कैसे करना है, ठीक है। अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, हमने 3 चैन लेनी है यहाँ पे, फिर ऐसे राउंड करके इसको फिर नेक्स्ट यहाँ तक, यहाँ हमने 3 चैन डाली थी, यहाँ तक हमने फिर से डबल क्रोशिया डालनी है। हम कितना काउंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, हम 9 डबल क्रोशिया डालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक ही क्रोशिए में 3 डबल क्रोशिया डाला था ना, तो हमने उसके बीच वाले में से फिर से एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया डालने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया डाला हुआ है और यहाँ तक मैंने डाल दिया है, और हमने ये बीच वाली में से हमने 3 डबल क्रोशिया डालने हैं। 1 2 3, बस हमने ऐसे ही ये राउंड कंप्लीट करना है। फिर से हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट में। 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने यहाँ से 10 डाला, 10 डाल दिया, या 10, ठीक है ना। अब हमने फिर से इसमें
इसकी लास्ट वाली चैन जो बीच वाली है डबल क्रोशिया में, यहाँ से फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया डाले थे एक ही चैन में, उसमें उसकी बीच वाली डबल क्रोशिया में से 3 टाइम हमने इसको डबल क्रोशिया डालना है, 1, 2 एंड 3। बस अभी ये सेकंड राउंड हमने कंप्लीट करना है, ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है, आप देखिए ये देखो कितनी अच्छी शेप आ रही है इसकी गले की। एंड अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं, उसमें ही सेम ऐसे ही रिपीट करना है हमने, देखिए 1, 2, 3 ऐसे ही हमने 3 चैन लेनी है, उसको राउंड करना है फिर ऐसे, तो अभी हमने नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया डालते जाना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेकर आऊँगी, प्लीज़ मुझे मेरी सपोर्ट करो, मुझे सब्सक्राइब्स की बहुत ज़रूरत है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर मेरी वीडियो में आपको कोई कमी लग रही है तो मुझे वीडियो में बताएं, तो वो जो मैं आगे बनाऊंगी तो मैं वो सुधार लूंगी, ठीक है। अब ने ये देखिए मैंने यहाँ तक डबल क्रोशिया डाल लिया है, नेक्स्ट फिर उसमें बीच वाली में से जो हमने 3-3 डाले थे उसकी बीच वाली डबल क्रोशिया में 3 टाइम फिर से डबल क्रोशिया डालेंगे। बस अभी हमने ऐसे ही करते जाना है, अभी मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ अभी मैंने कितने डालने हैं, फिर उसको बाद में बताऊँगी, पहले मैं बनाकर लेकर आती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक बना लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज बनाए हैं। अब मैं यहाँ पे इस कलर की ये कलर डालूंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं ऐसे ऐसे 3 चैन, 1, 2, 3, ठीक है। अब फिर से ऐसे इसको मैं घुमा लूंगी और वैसे ही स्टार्ट कर दूंगी जैसे हम मैंने यहाँ पे बनाए थे, एक राउंड इस कलर का डालूंगी यहाँ पे, ठीक है। बस ऐसे ही सेम जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही करना है, ये राउंड एक ही बार करना है, ये कलर एक राउंड इसी कलर का है, एक राउंड बनाना है, बस ऐसे ही बनाना है, ठीक है। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक एक राउंड, ठीक है। अब हमने ये वाइट कलर का राउंड बनाना है यहाँ पे, ठीक है। इसे हमने ऐसे ही छोड़ देना है यहाँ पे। अब हम यहाँ से वन टू थ्री, ठीक है। अगर आप उधर से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको तोड़कर यहाँ को धागे को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम मैंने यहाँ से ही स्टार्ट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐसे ही डालना है यहाँ पे,
ये देखिए सी करते जाना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। ये लास्ट राउंड है यहाँ का, हमने ये चेस्ट तक बना लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ तक डाली है, ठीक है, वाइट कलर का। अब यो जहाँ पर हमने तीन तीन डाले थे ना, वो डबल क्रोशिया एक ही चैन में, अभी हमने बीच में से फाइव डबल क्रोशिया डालने हैं। इससे क्या होगा, जो बाजू होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, लूज होगी, और चेस्ट भी। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, बस ऐसे ही करते जाना है। यहाँ पे भी 5 डालना है, यहाँ पे भी 5 डालना है, और यहाँ पे भी 5, और बीच में डबल क्रोशिया, ठीक है। ये राउंड कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वाइट वाला राउंड कंप्लीट कर लिया, ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 रोज बनाए हैं, ठीक है। अब हमने जो जहाँ पर ये छोड़ा था धागा, तो उसको हम ऐसे काट लेंगे, ठीक है, और इसे हम निकाल लेंगे, ठीक है, बाद में हम इसको ठीक कर देंगे। अभी हमने ऐसे ही इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, ये देखो, ठीक है। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा। अब नेक्स्ट राउंड में हमने ये कलर डाला है, अभी जो वाइट वाला है उसको हम निकाल देंगे, ऐसे ही इसमें अटैच कर देंगे, ठीक है। अभी हमने ऐसे थ्री चैन डालेंगे, 1 2 3, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे ऐसे। इस धागे को हमने बीच में ही स्टिच कर देना है ऐसे। अब हमने फिर से यहाँ से डबल क्रोशिया डालना स्टार्ट करेंगे, इसको हम इधर छोड़ देंगे, बस बाद में इसको सीजर से काट देंगे। ठीक है, बस अब ऐसे ही हमने करना है। अब हमने ये देखिए, मैंने यहाँ पर हमने यहाँ पे 5 डाले थे ना, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे यो 5 में से ये बाजू निकालेंगे हम, ठीक है, ये डबल क्रोशिया, इसमें जो बीच वाले जो 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर, और बीच वाले में से हमने इसको ऐसे निकाल देना है, अटैच कर देना है। ये बाजू निकली, आर्म्स निकली, ठीक है। अब फिर से हमने इसको ऐसे घुमाकर इस तरह
ऐसे लिया कर हमने ऐसे कर लेना इसको, ठीक है। अभी हम सभी ये डबल क्रोशिया डालेंगे यहाँ तक, फिर से हम इसको यहाँ से अटैच करेंगे यहाँ से। अभी हमने यहाँ पर किया, ये दोनों बाजू निकल गई हैं, बाद में ये हमने आर्म्स बनाएंगे, ठीक है, निकल गई। अभी हम यहाँ से फिर से डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अभी हम मैं क्या करूँगी, ये इस बीच वाले में से इसको पहले इसमें डालूँगी और फिर इसके बीच वाली 1 2 3 वाली ये बाजू निकल गई है। देखिए सॉरी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें जो बीच वाली है ये वाली देखिए, इसमें इसे लेकर इसमें तो मैंने डाल दिया है, इसमें अभी इसको स्टिच कर देना है, बाजू को अटैच कर देना है, देखिए, ठीक है। अभी हमें इसको ऐसे घुमाकर ये वाला कंप्लीट कर लेना है डबल क्रोशिया डालकर, ठीक है, बस जी यहाँ तक। इसके बाद हम डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी है वो, जिसको क्रोशिया आता है वो इजीली वो डिज़ाइन बना सकता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें प्लीज़। ये देखिए ये देखिए, ये मैंने बना दिया है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अभी हमने डिजाइन डालना है, वो कैसे डालेंगे, बहुत इजी है। देखिए पहले 3 चैन लेंगे हम, 1 2 3, ठीक है। अब हम यहां में, यहां पे 3 डबल क्रोशिया डाल ना 2 डालेंगे यहां पे, 1 2, डाल लिया। अब हम ये 2 चैन स्किप करेंगे, इसको स्किप कर देंगे और 3rd चैन में डबल क्रोशिया डालेंगे, ठीक है, और इसमें ही फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया डालेंगे, टोटल हो गए 3। देखिए ठीक है, फिर से हम 2 चैन स्किप करेंगे, 3rd में फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया डालेंगे, ऐसे बस ऐसे ही बनाते जाना है इसको। फिर से 2 चैन स्किप करेंगे, 3rd में फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया, बहुत इजी है। अब जब बनता है बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। फिर 2 चैन स्किप करेंगे, 3rd में फिर से 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए, ये देखिए बनना स्टार्ट हो गया।
ठीक है, ये राउंड कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमने फिर से सेकंड राउंड कंप्लीट करना है। रिस्टार्ट करते हैं, 1 2 3, ठीक है। अभी हमने इसको ऐसे घुमा देना है और इसमें ये देखिए यहाँ से मैंने 3 कर लिया और इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया डाल दिए भाई, 1 एंड 2, ठीक है। फिर जो हमने यहाँ पे एक एक में 3 3 डाले हैं उसके बीच वाले में यहाँ से हमने 3 डबल क्रोशिए फिर डालने हैं, 1 2 3। फिर इसमें इसमें बीच वाले में से फिर 3 डबल क्रोशिया, बस ऐसे ही हमने ये करते जाना है। अब फिर इसमें इसमें भी ऐसे ही करते जाना है। इस वीडियो में अभी कोई मैं म्यूजिक नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही रखूंगी ताकि जो आपको समझ आ सके, ठीक है। नहीं तो फिर म्यूजिक की आवाज आई जाती है तो कुछ समझ नहीं लगता, मुझे बहुत कंप्लेंट्स आती हैं वो कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ये देखिए, ठीक है ना, अभी ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए बन गया, देखो कितना अच्छा डिजाइन बनने लगा, स्टार्ट हो गया। ये देखिए अभी हम मैंने यहाँ तक बनाती हूँ फिर बताती हूँ कि मैंने कितने राउंड करने हैं। उसके बाद फिर से हमने 1 2 राउंड वाइट के बनाने हैं, उसके बाद फिर यही कलर करना है, तो फिर उसके बाद हम विनिंग करेंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं ये वाला।